डेरिक वॉलॉट क्वेश्चन नंबर जरूर दीजिएगा नेम्स बाय डेरिक वॉलॉट इफ अ पोएम दैट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आइडेंटिटी का इंपॉर्टेंस को देखा आइडेंटिटी क्या होता है देखिए आइडेंटिटी कार्ड जानते हैं तो आइडेंटिटी मीन्स नोइंग द नेम्स टू द क्वेश्चन नोइंग द आंसर्स टू द क्वेश्चन क्या कहें देखिये और पंक्चुएशन दीजिए कोलन यहाँ पर और कोलन सटा के क्या क्या क्वेश्चन नाम क्या नेम है मदर्स नेम फादर्स नेम नेटिव प्लेस नेशनैलिटी प्रोफेशन हॉबी एक्सेट्रा इसको कहते हैं आइडेंटिटी वर्ल्ड कॉट इज अ नोबेल लॉरियट उसको नोबेल प्राइज मिला है डेट याद हो तो दीजिए नहीं तो मत दीजिए नाइनटीन नाइन्टी टू में थ्रू द पोएम नेम्स ही शोज द पेन ऑफ पेज टू में आ गए पेन ऑफ क्या दिखाता है इस पोएम में पेन ऑफ ऑल द हु हू नॉट आंसर द क्वेश्चन अबाउट देयर आइडेंटिटी इस पोएम में उस लोगों के कष्ट को दिखाता है जो अपना आइडेंटिटी नहीं बता सकता है लो किसी को पूछे तो मेरे पापा का नाम क्या है वो नहीं बता पाएगा बहुत ख़राब बात है कहाँ घर है नहीं बता पा रहा है इसमें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना आइडेंटिटी नहीं बता पाते हैं पोई डिवाइड्स द पीपल इंटू टू ग्रुप्स अब पोई इनको समझने के लिए देखिए क्या है कोलोनाइजर्स एंड कोलोनाइज कोलोनाइजर होता है जो लोग शासन करते हैं जैसे ब्रिटिश कोलोनाइजर था एंड इंडिया कोलोनाइज था द कोलोनाइजर्स वेद द ब्रिटिश एंड अदर वाइट रूलर्स और सभी लोग के कोलोनाइजर थे कहीं कहीं फ्रांस में था ये सब द कोलोनाइज वेद अफ्रीकन्स इंडियंस करेबियंस एंड सम अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड कॉलोनाइज ये सब तो शो अब क्या है वॉल्ड शोज द सफरिंग ऑफ द कॉलोनाइज इन दिस पोईम नेम्स इस पोईम में क्या दिखाता है जो लोग गुलाम रहे हैं कॉलोनाइज रहे हैं उसको कष्ट को दिखाता है इस पोएम में द फियर ऑफ द एक्स रूलर इज स्टिल हॉन्टिंग द पोइट अभी भी जो रूलर है उसका डर अभी भी उन लोगों को सताता है सो ही डज नॉट डज नॉट मेक हिज सफरिंग क्लियर सो खुल के पूरा नहीं बोल पाता है एज इज डन इन लॉकर्ट जैसे लॉकर्ट में तो खुल के सब बता देता है लेकिन पोएम में नहीं बता पा रहा है जस्टिस इज डन वाट कोट स्टार्ट द पोएम नेम्स इन द सुबल अब देखिए ये बात बता रहे हैं कोई कोई आंसर में कोई कोई बात समझ में नहीं आया उसको उम्मीद करती है हमको लगता है ये हटाते नहीं फायदा है इसको जो आपको डिफिकल्ट लगे उसको हटा दीजिए लेकिन ये वाला दीजिएगा वॉट कॉट स्टार्ट द पोएम नेम्स इन अ सिंबॉलिक वे वो कैसे स्टार्ट करते हैं कोटेशन दीजिएगा माई रेस विज्ञान एज द सी बिगैन कहते हैं मेरा जात है उसी समय इसका जन्म हुआ जब समुद्र हुआ तो बहुत बहुत पुराना है विथ नो नाउंस विथ नो हराइजन लेकिन नाम उन पता नहीं है कौन है हमको नाम पता नहीं नाउन नाम नाम नेम हमको ना, पता नहीं है नाउंस बना नेम हो जाएगा यहाँ पर विथ नो हराइजन कोई ठिकाना नहीं आकाश का अस्पताल कहाँ है कोई ठिकाना नहीं है नो no हॉराइजन विथ पेबुल्स अंडर माई माउ देखिये ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेबल्स कहते हैं छोटा छोटा पत्थर उसको बच्चे के जी के नीचे दे देता है तो हम समझा रहे हैं द लाइन शो द अनसर्टिनिटी ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पर इन ग्रामर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग ए नाउन हैज आइडेंटिटी तो नाउन माई आइडेंटिटी है बट द पोइट एंड इज रेस हैव नो आइडेंटिटी लेकिन पोइट को आइडेंटिटी नहीं है उसके रेस को आइडेंटिटी नहीं है सिमिलर आइडियाज एक्सप्रेस मोर क्लियरली इन इसी बात को और एक दूसरे में पोई में दिखाया गया है तो कंपेरिजन आप दे सकते हैं अब हम पेज फोर में आएंगे देखिए ये भी बड़ा और बहुत इंटरेस्टिंग है कहता है आई ट्रेवल्ड टू अ डिस्टेंट टाउन आई कुड नॉट फाइंड माई मदर आई कुड नॉट फाइंड माई फादर हुज एनसेस्टर आर माई कहता हम बहुत दूर गए खोजने तो हमको मम्मी नहीं मिली हमको पापा नहीं मिला तो मेरा कौन ग्रैंडफादर सब है हु इज माई कैन आइडेंटिटी पता ही नहीं तब ये कौन है ये तो पोइट बार्सवेट का है ये कोटेशन नहीं है तो खाली कोटेशन दे दीजिए तो जो भारी लगे ना याद नहीं हो समय का मैं उसको मत दीजिए खाली लिखिए जो लिखिए सिंपल सिंपल देखिए वर्ल्ड आउट शोज द पनिशमेंट टू द ब्लैक चिल्ड्रेन हु कुड नॉट स्पीक इंग्लिश विद द करेक्ट प्रोनंसिएशन तो जो लोग करेक्ट प्रनन्सिएशन से नहीं बोल पा सकते थे उसको लोग क्या कहता था ये फॉरेन रूलर सब सजा देता था क्या पेबल्स अंडर माय टंग जी के नीचे छोटा छोटा पत्थर रख देता था गलत है अ स्टूपिड ओल्ड वे ऑफ करेक्टिंग प्रोनसीशन वाज कीपिंग पेबल्स अंडर द टंग ऑफ अ टंग ऑफ अ चाइल्ड तो बुद्धू तरीका है स्टूपिड बुद्धू तरीका था ये बच्चों को सजा देने का जिससे लोग करेक्ट प्रानंसिएशन सीखें ठीक है लेकिन उस तो प्रैक्टिस से होता है ना सुनने से पे बुद्ध सुनने से थोड़ा होगा द पोइट हैज नो मेमोरी ऑफ हिज पास्ट पास्ट डार्कनेस इन द फ्यूचर और भविष्य में भी अंधेरा दिखाई पड़ता है मतलब सैड पोएम इट इज अ सैड पोएम द नेम्स ऑफ हिज पीपल मैन वेमेन चिल्ड्रेन आर रिटन ऑन सैंड कहता है इनका नाम जो है बालू पर लिखा हुआ है द वेव्स ऑफ द सी इेज द नेम्स और समुद्र का जो पानी जो है उस नाम को जो बालू में लिखा उसको मिटा देता है वेर स्टैंड फॉर नेचर समय के साथ ये सब सब भूल जाता है द लास्ट थ्री लाइन्स ऑफ द पोएम नेम्स आर मोस्ट पावरफुल ये सबसे पावरफुल उसको कोटेशन दीजिएगा टेल मी वट डू लुक लाइक अब बच्चे को पूछता है कैसा दिखाई पड़ता है आंसर यू डैम लिटल एरब्स गाली देता है टीचर गाली देता है बच्चों को वो जवाब दो जवाब दो आंसर यू डैम गाली है लिटिल एरब्स अब देखिए बच्चा क्या जवाब देता है सर फायर फ्लाईज कॉट इन मुलासिस फायर फ्लाइज कहते हैं भुगजुगनी कहते हैं फायर फ्लाईज को कहते हैं और कहाँ फंस गया बेचारा गुड़ में फंस गया लट्ठा लट्ठा गुड़ होता है कहते हैं ये क्या कहते हैं टीचर इज टीचिंग एंड अब्यूजिंग अ स्टूडेंट द स्टूडेंट गिव द शॉकिंग रिप्लाई बहुत जवाब देता है दे लुक लाइक यंग गर्ल्स दे लुक लाइक यंग गर्ल्स आर बींग मॉलेस्टेड तो फायर फ्लाई होता है ना उसको यंग गर्ल मान लेता है और मॉलेज फंस गई है चारा वो लोग छटपट आ रहा है मॉल स्ट्रेट हो रहा है खराब सेम्स अब पेज सिक्स में मारा है कंसिडरिंग द कॉन्टेंट लेट अस सी द स्टाइल ऑफ द पोए देखिये आंसर में एक कॉन्टेंट दीजिए क्या थीम है क्या सब्सटेंस है और तब उसके बाद स्टाइल के बारे में बताइए आप स्टाइल में दे रहे हैं दोएम नेम्स इज इन फ्री वर्स फ्री वर्स में द पोएम गिव्स इंपोर्टेंस टू आइडियाज नॉट राइम इन रिथम आइडियाज़ को इंपॉर्टेंस देता है राइम और रिथर का सम लाइन्स ऑफ द पोएम स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर्स और कुछ कुछ लाइन जो है स्मॉल लेटर्स से शुरू होता है हालांकि आजकल पोइट्री में पुराने कविताओं में कैपिटल लेटर हर लाइन शुरू होगा लेकिन इसमें स्मॉल होता है दिस इज क्लियर फ्रॉम द कोटेशन गिवेन अबाउट जो कोटेशन दिए उससे पता लग जाएगा कि बहुत स्टार्टिंग लाइन जो है छोटी में है वर्कॉट यूजेज द पोइटिक डिक्शन ऑफ कॉमन मैन जो शब्द यूज करता है साधारण सब सिंपल सिंपल कॉमन मैन दैट वर्ड्स फॉर एडवोकेट्स इन इज लिटिकल बैलेट लिटिकल वर्ड्स पर यही कहता है बस कॉमन मैन की भाषा यूज करो सिंपल लैंग्वेज यूज करो आंसर में भी सिंपल लैंग्वेज यूज कीजिए ठीक है इन शॉर्ट नाउंस इट्स अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट मॉडर्न करिबियन पोस्ट नाउंस नाउंस ना क्या नहीं सॉरी नेम्स है ना ना नेम्स देखिए मेरी गलती है देखिए कहीं कहीं आपको तो मिस्टेक्स हो जाता है देखिए आप तो ठीक है यहाँ देखिए आई एम सॉरी इन शॉर्ट नेम्स नेम्स इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ पोस्टमार्टम पोस्ट अब देखिए और एक बात आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैंड राइटिंग पर बहुत ध्यान दीजिए देखिए फुल फुल क्या क्या है फुल स्टॉप तब तो जो देते हैं ना यहाँ पर सटा के दीजिए कॉमा भी सटा के देखिए फुल स्टॉप देने के बाद तब स्पेस दीजिए यहाँ पर हो गया एक बात ये फिर ब्लैक किंग की यूज़ कीजिए तो उसको थोड़ा क्लियर होगा वो ब्लैक किंग के क्लियर देना एक पर क्या कहते हैं और बड़ी छोटी पर ध्यान दी कैपिटल लेटर्स और स्मॉल पर ध्यान दीजिए नहीं तो नंबर बहुत काट लेगा और हमसे भी कभी गलती हो जाती है वेरी सॉरी फॉर दैट सो लव यू ऑल ब्लेस यू